बात नहीं किया बुर्का उतारी इतने प्लेटफॉर्म पे कोई देखा नहीं उसको। हेलो वो स्पीकर चालू करो, स्पीकर चालू करो। ट्रेन में चढ़ रहे हैं, ट्रेन में चढ़ रहे हैं लोग। वो लड़की से बात क्यों नहीं करवाई मुझे तुमने? जब मैं बोली लड़की को फोन दे दो तो फोन देना चाहिए ना। जी मैं फोन दे रहा था उसको, लेकिन लड़की हाथ से झटकार दिए और बोले मुझे नहीं बात करना। और मैं और वो गैर से बात करना है, उसके सामने रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। हाँ रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। मैंने बोला एक बार आपा से बात कर लो, बात करके देखो, बट वो उसने बात नहीं किया। उतारी इतने प्लेटफॉर्म पे कोई देखा नहीं उसको? और उतारी देखी मैंने, देखा जैसे मैंने उसका वीडियो बनाया। तो था तू बुरखा की उतारी माँ, बुरखा तेरे शर्म नहीं आई? बुरखा तू क्या क्या हिसाब से पहन के आई थी? और वो जैसे मैंने आपका कॉल दिया ना, उसके बाद उसने वो लड़का एक तरफ भागा, लड़की एक तरफ, वो ट्रेन में लेडीज बोगी में चढ़ गई। लेकिन वो गैर मुस्लिम था पक्का है ना? हाँ हाँ गैर मुस्लिम। बताओ ये अलग अलग क्यों भागी फिर? मेरे को लग रहा शादी शुदा है फिर। कुछ कह नहीं सकते, मतलब ऐसा ही मसला हो सकता है, क्योंकि मसला बहुत गंभीर था। वो जैसे डांट रहा था वो रो रहे थे। अच्छा हाँ ठीक है। मैं हेलो, लड़का बहुत चिल्ला रहा था, ये मिलना जरूरी है लड़की, क्योंकि इसने बुर्का उतारी है स्टेशन पे, और बुर्का उतार के पता नहीं भाग के आई थी जाने के लिए, पता नहीं तुमने उसके रंग में भंग डाल दिए। और वो मैं तुमको बोल रही स्पीकर पे रखो, स्पीकर रखे होते तो बात करती ना उसने। स्पीकर पे मैं डाला था, उसे सुनने को तैयार ही नहीं थे। अच्छा वो सुन के भाग गई? हाँ अच्छा। हेलो हेलो बोल रही, समझ में नहीं आ रहा, बाद में कट हो गया फोन। चलो मैं ये बोल वीडियो रहा था करती हूँ, और जो लोग ये देखेंगे ये लड़की कहाँ रहती है, इसके घर तक इसके माँ तक की बात पहुँचाओ, क्योंकि इस लड़की ने बुर्का स्टेशन पे उतारी, बीच रास्ते पे उतारी है, बीच चौराहे पे उतारी है। हाँ बुर्के की ये अभी औकात रह गई है, लहरों को देख के हमारी लड़कियाँ बुर्का उतार कर उनसे बात करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है, ताकि कोई मुसलमान उनको रोके नहीं। जी हाँ मुसलमान नहीं रोकने के लिए ये अभी नया कंडा अपनाया है। इस लड़की को सजा होनी चाहिए अच्छी खासी, इस्लामी तरीके से इसकी सजा। ये अभी फिलहाल तो ये है कि इसके घर वालों तक इसकी बात पहुंचाई जाए। अगर ये मुझे बात कर लेती ढंग से, मैं इससे पूछती भाई क्या हुआ, क्यों रो रही है, क्या किया इस लड़के ने तेरे साथ, लेकिन वो लड़की फोन लेने तैयार नहीं है, वो मुसलमान से बात करने तैयार नहीं है, मुसलमान औरत से बात करने तैयार नहीं, लेकिन गैर से वो वहां पर उसके आगे गिड़गिड़ाने तैयार है, उसके आगे झुकने तैयार है, रो रही गिड़गिड़ा रही है, बुरखा उतार के वो भी नंगी हो जाती थोड़ी देर में फिर वो। हाँ और लड़के के लिए नंगी भी हो गई, आप पता नहीं किस हद तक जाते हैं ये लोग जो इस नौबत पे आए हैं, किस हद तक गई है लड़की जो इस नौबत पे आई है। ये मैं मैसेज जो है मुसलमानों तक तो पहुंचा रही हूँ, इस लड़की के माँ बाप को ढूंढकर मुझसे बात कराओ, इस लड़की से बात करो कि माजरा क्या है। हो सकता है लड़की भागने वाली है अभी, नहीं तो आगे अभी आजकल में ये भाग जाएगी। या हो सकता पूरा है कि लड़के को पता नहीं किस बात में ब्लैकमेल कर रहा है, जो रो रही थी ये खुदकुशी भी कर सकती है, पता नहीं क्या बात है। इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए इसके घर वालों को, जिसके लिए मैं आप लोग ये कौन सा स्टेशन है, स्टेशन बोलो। माटुंगा, माटुंगा है। नहीं लड़की माटुंगा में, ये ट्रेन से उतरी थी क्या, चलते हुए थी? माटुंगा स्टेशन पे उतरी है, सेंट्रल लाइन वाला माटुंगा। सेंट्रल लाइन यानी कहाँ से आ रही थी? ये उस साइड से आई है, मैं भी थाने साइड से आई है। मुमरा से आई हो, माटुंगा में उतरी ना, मुमरा से आई हो, कुरला से आई हो। जी फिर उसके बाद वहाँ से वो लोग आई होगी। जी बिल्कुल। हाँ और यहाँ आके उसने स्टेशन पे आके उसने बुर्का उतार दी, तुम्हारे सामने उतारी। जी मैं उधर ही खड़ा था। झूठे बोला? नहीं बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोला, मेरे सामने था, मैं खुद वहाँ पे खड़ा था, बाकी लोग भी थे। फिर जब मैंने ये देखा तो फिर मैंने अकेला किया। जी मैं स्टेशन पे था बट वो लोग निकल गए, 10 मिनट तक वेट किया, फिर मैं यहाँ से निकल। अभी मैं दादर में हूँ, दादर से निकला हूँ। वो दादर वाली वो उधर का चर्च गेट का मैं ट्रेन पकड़ के वो लोग आ गए। ठीक है चलो चलो मैं डाल रही है। क्या है भगवा लव ट्रैप और कौन है शबीना अनीस कुरैशी, आइए जानते हैं। तो शबीना अनीस कुरैशी वो पहली औरत हैं जिसने बिना अपनी और अपने फैमिली की परवाह करते हुए भगवा लव ट्रैप के खिलाफ काम किया और ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचा लिया। ये वही औरत हैं जिसने इस काम को चुना और ना जाने कितनी परेशानियों का सामना अकेले किया। भगवा लव ट्रैप एक बहुत बड़ा फितना है जो काफी मुसलमान लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, जहां नॉन मुस्लिम्स मुस्लिम लड़कियों को प्यार में फंसाकर उनसे शादी करके उनका मजहब चेंज करके उनका यूज करके उन्हें छोड़ देते हैं, और काफी मुस्लिम लड़कियां मुर्तद भी हो चुकी हैं। और बस यही देखकर शबीना अनीस कुरैशी जी ने ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचाया। और आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं और इनका काम देखना चाहते हैं तो बस एक मिनट निकालकर इनका चैनल जरूर से विजिट करना और सब्सक्राइब जरूर करना।